नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा बीएड और एमएड कोर्स को लेकर जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस साल जो बीएड और एमएड के इंटीग्रेटेड कोर्स का होना है जो कि तीन साल का कोर्स होगा जो कि दो में एडमिशन के लिए उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हो चुके हैं यानी कि आप अब इस कोर्स के लिए इस प्रोग्राम के लिए छः तारीख से फॉर्म भर सकेंगे छः मार्च से लेकर 16 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकेंगे ये जो कोर्स है जिसका फुल फॉर्म जो है वो है बैचलर ऑफ़ एजुकेशन प्लस मास्टर ऑफ एजुकेशन ये जो है साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए ये कोर्स है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा कैसे क्या सिलेबस होगा क्या मार्किंग स्कीम होगी कब आपका जो है इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा कब आंसर की आएगी कब एडमिट कार्ड आएगा क्या एग्ज़ाम का डेट होगा सारा कुछ जो है क्या फॉर्म की फ़ीस क्या होगी और सारा कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूँ तो पहले आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो कल यानी कि 6 मार्च से लेके 16 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग की इसका एग्ज़ाम जो है वो दो अप्रैल को होने वाला है दो अप्रैल दो में इसका एग्ज़ाम जो है होगा इसका एग्ज़ाम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर और उसके बाहर के भी स्टेट के सेंटर्स के अंदर ये एग्ज़ाम होने वाला है तो ये आपके लिए एप्लीकेशन का अपडेट था जो कि आपके मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोटिस है आप उसको अच्छा अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं अब मैं इसी के अंदर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ सिलेबस और मार्किंग स्कीम अगर मैं इसकी आपको बताऊँ तो इसमें आपको तीन सेक्शन आएंगे पेपर में जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज मेंटल एबिलिटी तीन सेक्शन आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में फोर्टी क्वेश्चन आने वाले हैं और जनरल नॉलेज यानी कि जी के और मेंटल एबिलिटी में थर्टी थर्टी क्वेश्चन आएंगे मेन बात यह है ये हंड्रेड क्वेश्चन जो हैं सारे वन मार्क्स के आएंगे यानी कि आपको हर करेक्ट आंसर पे वन मार्क्स यहाँ पे मिलेगा कंटेंट ऑफ सेक्शन अगर आपको बताऊँ यानी कि इसमें क्या क्या सेक्शन के अंदर आने वाला है तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको फोर्टी मार्क्स का आएगा उसके अंदर जो है आपको विल कवर द एरियाज़ लाइक एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एजुकेशन स्टूडेंट एंड टीचिंग प्रोफेशन इंटरेस्ट इन टीचिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ इमोशनल मॉरल इथिकल एंड सोशल एडजस्टमेंट इंट्रा पर्सनल रिलेशन एंड इंट्रा पर्सनल स्किल्स क्लास ग्रुप कम्युनिटी मैनेजमेंट जनरल अवेयरनेस ऑफ कॉन्टेम्पोरिरी इश्यूज पर्टेनिंग टू सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये आपका सेक्शन वन से सिलेबस होगा सेम इसी तरीके से सेक्शन टू या आपका जो जी का है उसमें आपके थर्टी मार्क्स का पेपर आएगा उसके अंदर आपके थर्टी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका सिलेबस होगा वो होगा बेसिक जनरल नॉलेज जो कि आपका बुक्स एंड ऑथर्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज पर्सनल्स इन परसनस इन न्यूज़ करंट इवेंट्स विद रेफरेंस टू एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जनरल साइंस अप टू एस एस सी लेवल एस एस सी मतलब आपके ट्वेल्थ लेवल तक का यहाँ पर साइंस आएगा वेरियस इन्वेंशनस और टेक्नोलॉजी आएगा नेक्स्ट आपको हिस्ट्री में बताऊँ तो वो भी आपका एस एस सी लेवल और जोग्राफी और इंडियन सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स ये सारा आपका एस एस सी लेवल तक आएगा यानी कि आपके टेंथ के लेवल तक का आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेफरेंस टू एजुकेशन ये आपका जनरल नॉलेज सेक्शन बी में से जो है सिलेबस रहेगा सेम इसी तरीके से आपको सेक्शन थ्री का सिलेबस बताऊँ तो दिस सेक्शन एम टू जज द रीजनिंग पावर एंड एक्यूरेसी इन थिंकिंग दिस सेक्शन विल कवर द एरियाज लाइक रीजनिंग एबिलिटी ब्लड रिलेशनस स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स लेटर एंड नंबर सीरीज़ एनालॉगी ऑड मैन आउट न्यूमेरिकल एबिलिटी लॉजिकल प्रॉब्लम्स कोडिंग डिकोडिंग ये आपका जो है सिलेबस इस बार रहेगा एम एड और बी एड दोनों कोर्सेज़ मिला के इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ है यानी कि आप एक बार इस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे ये आपको दोनों कोर्स एक साथ मिलने वाले हैं जो कि तीन साल के रहेंगे अगर आप इन्हीं कोर्स को सेपरेटली करते हैं तो ये दो दो साल के होते हैं यहाँ पे क्या है इस एग्जाम को आप देंगे बी एड प्लस एम एड इंटीग्रेटेड रहेगा जो आपको तीन साल में महाराष्ट्र के कॉलेज़ और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है आपको इस कोर्स को कराया जाएगा जिसके लिए जो सिलेबस और पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको इस नोटिस के जरिए बता दिया है मैं नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस के बेस्ड पर क्वेश्चन होंगे यानी कि एम जिसे आप बोलते हैं इसमें आपको फोर ऑप्शंस मिलने वाले हैं उसमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग मतलब यहाँ पे आपका कोई भी मार्क्स जो है वो काटा नहीं जाएगा इफ अगर कोई कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाता है या गलत कर देता है तो उसको जो है यहाँ पर कोई भी उसका मार्क्स जो है वो काटा नहीं जाएगा द टाइम अलाउड इज़ वन आवर थर्टी मिनट्स यानी कि आपको नाइन्टी मिनट्स का टाइम यहाँ पर इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का कम्प्लीशन कम्प्लीट करने का दिया जाएगा द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी यानी कि आपका इंग्लिश और मराठी दो लैंग्वेज में इसके क्वेश्चन पेपर आपका आएगा और ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा मतलब कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि आपका एम सी क्यू बेस्ड में होने वाला है मतलब कि आपके इसमें एम सी क्यू क्वेश्चन होंगे चार ऑप्शनस होंगे उसमें से एक आंसर जो है उसका करेक्ट होगा और बाकी सारे रॉन्ग होंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन के आंसर एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं तो ऐसे में आपको जो दोनों के अंदर ज़्यादा करेक्ट लग रहा है ऑप्शन उसको आपको टिक करना है उसके बाद भी अगर मार्किंग स्कीम जब आती है जब आपकी आंसर की आती है उसके दौरान अगर पता लगता है ऐसा कि आपने जो मार्क करा आंसर वो भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है तो आपको उसका मार्क्स जरूर मिलेगा मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर करेक्शन बाद में आंसर की के दौरान आता है तो आपने अगर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा है तो इसमें आपको मार्क्स जो है वो ज़रूर मिलेगा और अगर आपको नहीं पता है कि सी एग्ज़ाम कैसे होता है तो उसके लिए आप वीडियो जो है वो डिटेल में देख सकते हैं चैनल पर ही आपको मिल जाएगा वो पिछले प्लेलिस्ट सेक्शन में आप उसको आसानी से देख पाएंगे अब मैं नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउसर इसका डिटेल्ड में बताऊंगा कि मतलब इस एग्ज़ाम को कैसे लेने वाले हैं वो लोग क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा सारा कुछ जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारा इस ब्राउशर के पी में है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो ए, 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 इस कोर्स के बारे में बताऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि आ, ये जो कोर्स है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मतलब कौन इस कोर्स को दे सकता है इस कोर्स के एग्ज़ाम को जो कि एम ए एच सी टी एम एड बी एड इंटीग्रेटेड है कौन नहीं दे सकता है क्या एग्जामिनेशन फीस होगी अगर कोई कैटेगरी से आता है ऐसी कैटेगरी से जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा और साथ में आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप कब डाउनलोड कर पाएंगे सिलेबस क्या होगा मार्किंग स्कीम वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है बाकी सारा डिटेल जो है मैं रिजल्ट तक लेके जो है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो कोर्स है वो तीन साल का है जिसके अंदर आपको बी एड और एम एड जाएगा यानी कि बैचलर और मास्टर ऑफ एजुकेशन कराया जाएगा तीन साल के अंदर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से ये करने वाले हैं देखिए मैं अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो यहाँ पे द कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल एंड शुड बी क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो भारत से ही होना चाहिए वो भारत के बाहर का होगा तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएगा दूसरी बात यह है कि अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस सोशल साइंस ह्यूमैनिटी फ्रॉम अ रिकोनाइज इंस्टीट्यूट विद अ मिनिमम 55 परसेंट मार्क्स 50 परसेंट मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज जैसे कि ओ और बाकी जो कैटेगरी आपकी आती हैं वो आपके यहाँ पर सिर्फ उनको फिफ्टी मार्क्स लाना है बट उनको सिर्फ वो सिर्फ महाराष्ट्र के होने चाहिए अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं और वो महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट में आते हैं मतलब बाकी सारे स्टेट में आते हैं तो उनको जो है फ़िफ्टी फाइव परसेंट लाना पड़ेगा अपना उस फिफ्टी परसेंट मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे उसकी उसके लिए एलिजिबल होने के लिए नेक्स्ट में आपको बताऊँ साइंस स्ट्रीम वाला और आर्ट्स स्ट्रीम वाला इस एग्ज़ाम को दे सकता है उसके लिए मेन आप इन्होंने बोला है कि उसके पास मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री फिज़िक्स जियोलॉजी और बुटैनी में से कोई एक उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए ट्वेल्थ के बेस पर से सेम इसी तरीके से आर्ट्स वाला जो है उसके पास एक सोशल साइंस और बाकी ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है तो इस तरीके से आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए 2023 के सेशन के लिए होगा अब देखिए यहाँ पे जो है कैटेगरी जो आते हैं अलग अलग कैंडिडेट जो है वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से होगा उसके लिए भी पांच कैटेगरी में यहाँ पे उसको बांटा गया है टाइप ए से लेकर ई e तक टाइप ए बी सी डी ई तो टाइप ए में वो आते हैं जो कैंडिडेट जो है महाराष्ट्र में ही उनका जन्म हुआ है यानी कि उनकी जो बर्थ है वो महाराष्ट्र की है सेकेंड टाइप वो है जो कि जिनके फादर या मदर जो उनमें से कैंडिडेट के फादर या फिर मदर जो है उनका जन्म जो है वो रहने वाले जो है वो महाराष्ट्र के हैं कोई भी अगर एक भी होता है इसमें से तो वो टाइप बी में आएंगे टाइप सी में वो आएंगे जिनके फादर या मदर में से कोई भी एक जना जो है वो सरकार का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है चाहे वो किसी भी फील्ड में है तो वो जो है टाइप सी में आएगा और उसका जो है आ, उसकी ड्यूटी जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में हो गई है बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सी मतलब कि उसका जो उसके जो फादर मदर में से कोई जना ऐसा है जिसकी जॉब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है और वो ट्रांसफ़र की वजह से हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो उन लोग वो, वो लोग टाइप सी में आएंगे टाइप डी में वो लोग आएंगे जिनके फादर या मदर ऑफ द कैंडिडेट इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र और महारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग मतलब ये है कि टाइप डी में वो आएंगे जिस कैंडिडेट के मदर या फादर में से कोई भी एक जना या फिर दोनों जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर जो है किसी ना किसी फील्ड में जो है एम्प्लॉय हैं तो वो टाइप डी में आएंगे टाइप ई e में वो आएंगे वो कैंडिडेट जिन्होंने जो है अपना ट्वेल्थ जो है वो पास करा है या फिर अभी कर रहे हैं किसी भी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल से महाराष्ट्र के आ, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर एरिया के अंदर रहते हैं वो लोग मतलब कि आप जानते होंगे महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो बीच में बॉर्डर होता है वो बॉर्डर जो है उसके पास के एरिया में कैंडिडेट अगर रहता है और उसने वहाँ से अपना टेंथ या ट्वेल्थ पास किया है और उसकी जो मातृभाषा है वो मराठी है तो वो जो है टाइप ई e में आएगा इसी तरीके से और इसी तरीके से आपके छठी कैटेगरी जो है वो आपकी है ओ एम एस ओ एम एस मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना ओ कैटेगरी चूज़ करना होगा और सातवां जो है वो आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर के जो भी कैंडिडेट हैं उनको जो है वो सेवन नंबर ऑफ कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा देखिए मैं एज क्राइटेरिया आपको बता दूं देयर इज़ नो एज अपर लिमिट कोई एज लिमिट नहीं है यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बोला गया है कि इंटीग्रेटेड सीटी आपकी एज जो अगर देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि आपकी फ़र्स्ट जुलाई 2023 में क्या एज हो रखी रक, हो रखी है उस हिसाब से आपका एज निकाला जाएगा हालांकि यहाँ पे कोई यहाँ पे एज में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई अगर 30 साल का 32 साल का कैंडिडेट भी है तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है आसानी से अब मैं आपको इसमें बताऊँ फ़ीस के बारे में तो फ़ीस का जैसे कि और सब्जेक्ट में रहता है वैसे इसमें भी है एट हंड्रेड रुपीज़ आप उन सबको देने हैं जो कैंडिडेट महाराष्ट्र के अलावा दूसरे स्टेट से आते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों प्लस जो कैंडिडेट महाराष्ट्र से हैं और वो अनडिज़र्व कैटेगरी में हैं तो उनको एट हंड्रेड रुपीज़ देने हैं साथ में जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट को भी एट हंड्रेड रुपीज़ देने हैं सिक्स हंड्रेड रुपीज सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी के, के लोगों को देने हैं जो सिर्फ जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं अब देखिए इसका प्रोसेस कैसे रहेगा पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से उसके बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे फॉर्म फिल के अंदर जो भी सब होता है वो मैं आपको बताऊंगा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो में उसके बाद जो है आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है आपको उसके लिए फिर फ़ीस पे करना होता है फिर उसके बाद आपको फ़ाइनली अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होता है जिससे कि आपसे अगर वो एडमिशन के दौरान या आगे कभी मांगा जाए कॉलेज या इंस्टीट्यूट में तो आप उसे दिखा सकें पेमेंट जो है वो मैं आपको बता दूँ वो आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डेबिट कार्ड की डिटेल या फिर पेटीएम या फिर दूसरे किसी पेमेंट गेट से नेट बैंकिंग से यू से और इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए आप कर सकेंगे अपनी पेमेंट को डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड करना है एक सिग्नेचर की फ़ोटो अपलोड करनी है और एक अपना आईडी प्रूफ देना होगा अब मैं आपको बताऊँ अगर फोटोग्राफ और साइन uh, के अंदर आपको फॉर्मेट और साइज को uh, पहले सेट करना होगा जिससे कि आप उसे आसानी से अपलोड कर पाएँ साइज़ जो होना चाहिए वो आपका दो से दो पिक्सल के बीच में यहाँ पर बोला गया है फ़ोटोग्राफ का साइज जो होना चाहिए वो पचास के से नीचे होना चाहिए सिग्नेचर का जो है वो आपका साइज जो है वो दस से बीस के बी के बीच में होना चाहिए और इसी तरीके से आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा दोनों के फॉर्मेट अगर आपको जानना है तो फॉर्मेट जो है यहाँ पे बोला गया है जे पी जी फॉर्मेट हो इस तरीके से आप अपना ही फॉर्मेट यहाँ पर लगा सकते हैं जे पी जी होना चाहिए यहाँ पर यह बोला गया है अगर आपको नहीं पता कि कैसे फॉर्मेट चेंज होता है कैसे साइज चेंज होता है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं जो कि चैनल पर ही आपको मिल जाएगा आईडी प्रूफ में आप अपना कुछ भी दे सकते हैं पैन कार्ड आधार कार्ड वोटर कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ये सारा डिटेल या फिर अपने बैंक का कोई बैंक की पासबुक और ये सब दे सकते हैं उसमें बस एक ये होना चाहिए बैंक का कोई अकाउंट की डिटेल भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपकी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए उस पेज पर तो आप उसको दे सकते हैं एज आई प्रूफ आप उसे भी लगा सकते हैं अब देखिए यहाँ बोला गया है कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना है अगर वो लेट हो जाता है एग्ज़ाम देने में तो उसके पास कोई ऐसा जो है रीज़न होना चाहिए जो कि सच में माना जा सके कि हाँ भाई ये कारण है ऐसा कि वो लेट हो गया तो वो मानने वाला होना चाहिए अगर ऐसे ही कोई कारण हुआ और उस कारण आप लेट हो जाते हैं तो ऐसे में जो है जैसे कि ट्रैफ़िक और ऐसे कारणों के चक्कर से जो है वो उस उस सिचुएशन में आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दी थी एग्जाम की मैंने ये भी बता दिया था सौ क्वेश्चन आएंगे सौ मार्क्स का पेपर है नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मल्टीपल चॉइस पेपर होगा फोर ऑप्शंस आपको मिलेंगे नाइन्टी मिनट्स आपका टाइम होगा यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होगा सी मोड में होगा और नॉन ज़ीरो स्कोर इन द करेंट ईयर सी हर पर क्वेश्चन के आपको वन मार्क्स मिलेंगे वो अगर करेक्ट होता है तो सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो चुका था अब मैं बताया तो पी डब्ल्यू डी वाले कैंडिडेट को जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं उनके लिए भी छोटे छोटे सब कैटेगरी में बांटा गया है उन्हें उसके हिसाब से वो इस टेबल को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन जो है स्क्राइब की फैसिलिटीज मतलब स्क्राइब किसको अलाउड है किसको जो है एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए ऐसे नहीं है कि हर पी कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है एक्स्ट्रा टाइम उन्हीं को मिलेगा जो इन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आते हैं अब देखिए सीबीटी एग्जाम कैसे होता है तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है आप उसको देख सकते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सीबीटी एग्जाम होता कैसे है अब ये कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म है मतलब कि आपको अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं फिर रिजर्वेशन में किसी कैटेगरी में आते हैं और उसके लिए अगर आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है इसको फिल करके इसका फॉर्मेट जो है वो अपलोड करना पड़ता है इसका फाइल बना के आपको अपलोड करना पड़ता है देखिए इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो महाराष्ट्र के अंदर इसके जो है सात सेंटर होने वाले हैं जो कि एक औरंगाबाद और जलगांव कोल्हापुर मुंबई नागपुर पुणे सोलापुर यानी कि ये आपके सात सेंटर होंगे जो कि महाराष्ट्र के अंदर के सेंटर की बात हो रही है इस तरीके से आपके सेंटर जो है होने वाले हैं कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के बाहर से भी है चाहे वो दिल्ली से है राजस्थान से है उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश से किसी भी दूसरे स्टेट से है तो वो भी इस एग्ज़ाम को जो है अप्लाई कर सकता है, इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने जैसा आपको बताया कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर पोस्ट ग्रेजुएट मार्क्स मेमो एंड सर्टिफिकेट हैंडली हैंडी बिफोर फिलिंग इन दी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेटा मतलब यहाँ पर यह है एजुकेशन जो है वो पास आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए आर्ट्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम में से किसी से भी स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट ऑफर एट पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन थ्री नेम ऑफ द डिग्री फोर मतलब कि आपका एम ए इनमें से कुछ भी हो सकता है उस वो वाला कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है अब मैं आपको ये बताया था कि आप ये एम ए एच बी एड एम एड के इंटीग्रेटेड कोर्स को जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए साइंस वाले को क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं अप्लाई करने के लिए तो मैं बता दूँ यहाँ पे यहाँ पे आपको एक बुटानी जियोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री माइक्रो बायोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायो इस तरीके के कोर्स यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप समझ सकते हैं बी एड यानी कि बैचलर ऑफ़ एजुकेशन किस किस में बोला जा रहा है यहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि बी एस सी एम एस सी करना है किसी को जो भी बी एस सी एम एस सी करने वाले हैं साइंस वालों के लिए बी एस सी एम एस सी होता है जो कि आप कर सकते हैं बुटैनी में कर सकते हैं जोलॉजी में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं उसमें से आप किसी में भी कर सकते हैं हालांकि आप इनके अलग अलग एज निकालें अगर पूरा ड्यूरेशन निकालें तो यूजी में इसकी तीन साल लगते हैं और पीजी डिग्री में इसके चार साल लगते हैं सेम अगर एमएससी कर रहा है कोई तो उसको चार साल लगने वाले हैं और यूजी में तीन साल सोशल साइंस वालों को ये सारे ऑप्शन मिलेंगे ये आर्ट सिस्टम वालों के लिए है उनके लिए बी और एम जो है वो इंटीग्रेट होगा इन इन सब्जेक्ट में जैसे कि लिखा हुआ है जोग्राफी इकोनॉमिक्स और ये सारे सब्जेक्ट चाहे तो बी एम ए आप इंग्लिश हिंदी उर्दू मराठी संस्कृत और गुजराती जैसी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आपको मैंने बता दिया है जैसा कि मैं आपको बताऊं कॉलेज डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूट कैंडिडेट टू गो द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बिफोर फिलिंग इन द सी एप्लीकेशन फॉर्म देखिए बीएड और एमएड ये दोनों मिला के कोर्स होंगे आपके तीन साल के अंदर 50 जो है वो सीट्स हैं इस अकेले इस अकेले कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही इस है इसमें 50 सीट्स हैं इस तरीके से आप जो है आ, इस यूनिवर्सिटी में फिफ्टी सीट है और भी अगर बात होगी तो वो उस हिसाब से सीट रहेंगी तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम का जो है पैटर्न रहेगा मतलब तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम जो है एम एड बी एड का महाराष्ट्र का सी टी का दो हज़ार तेईस का होने वाला है जो कि इंफॉर्मेशन ब्राउसर में सारी डिटेल जो भी थी वो मैंने आपके साथ जो है आपको बता दी है इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे इस साल दो हज़ार तेईस में तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में